बोले शिव शंकर भोलेनाथ की। इधर लाऊ बोल, बोले पीपलेश्वर महादेव की जय। द्वापर युग में श्री हरि विष्णु भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान के रूप में धरती पर अवतार लियो। कंस रो डर थे, डर थो तो भगवान जैसे अवतार लियो मां देवकी री कोख सो तो जेल का दरवाजा टूट गया। वासुदेव जी महाराज एक ओडी में बिठा जमुना जी जगा दी। जमुना जी धीमी पड़ी और जमुना जी ने पार कर और गोकुल में ले जा, मथुरा में, मथुरा सो गोकुल में ले जा। और मां यशोदा रे हाथों में वासुदेव जी महाराज कन्हैया ने सौंपते हुए कहो कि हे मां, यदि वो कंस ने पतो चल गयो तो वो तो मार दे लाइने, लेकिन ये बेटा आज से आपके पास में है, आपने ही बड़ो करनो, आपने पालनो पोषनो। भोलेनाथ री समाधि खुली 12 साल बाद में। भोलेनाथ ने समाधि खुलती अचानक याद आयो कि जार विष्णु भगवान को मुलाकात करनी है। पर अपने तीसरे नेत्र सु भगवान जब नजर पसारी के भगवान है कटे, लोकेशन कटे, पतो तो लगावा पहला, पचब कोई व्हाट्सएप वगैरह करा तो वही ठाक ही पड़ेगी, नेटवर्क में है कि नहीं डोगरो। भगवान ने जब नजर पसारी मित्रों तो विष्णु भगवान मां यशोदा के आंगन में खेलता हुआ बाल रूप में नजर आया। और वो बाल रूप इतना सुंदर हो, सामान्य छोटा टावर तो वैसे भी फूट रहा वैसा, लेकिन वे तो भगवान था तो भगवान की लीला तो अद्भुत थी, बड़ा निराली थी। गुंगराला बाल, छोटा छोटा हाथ, छोटा छोटा पैरों चल रहा है, पगों में घुघरिया बाज रहा है, कभी ऊबा हो रहा है, कभी गिर रहा है। और भोलेनाथ जब दूरी उन देखा तो भोलेनाथ ने मन में आयो कि अरे दूरी उन नहीं और नजारो तो कन्नू जार देखना चाहिए। पर जाऊं की कर, क्योंकि हागी रूप में जाऊं तो दुनिया ओढ़ ले कि ओ भोलेनाथ आई गया, तो कई लोग घेर कर खड़ा हो जाओ, बोले भोलेनाथ वन सेल्फी प्लीज। किने किने सेल्फी दे। पार्वती ने पूछो कि भाई पार्वती जानो तो है पर दुनिया में मोगड़ा लोग दुखी गणा है, और मैं गए और घेर कर खड़ा हो गया। बोले भोलेनाथ मारो दुख है, मारे कर्जो गणो होगो, जीएसटी लागी, नोटबंदी होगी, मारी लुगाई गणी लड़े, मैं किना किना दुख दूर करो, क्योंकि सुख थोड़ा दुख बहुत जगत में भोग्या कष्ट भरे रानी, और किन किन का दुख दूर करूं मैं दुनिया दुखी फिरे रानी। पार्वती ने पूछो कि पार्वती कहीं करा, पार्वती भैया बोली भोलेनाथ करनो कहीं डिजाइन ही बदल दो, नहीं न तो थाने कोई पहचाने ना कोई बात, और थे थारे जार भगवान ने देख राजा। उस समय भोलेनाथ जोगी नो रूप धारण कियो, 80 बरस री उम्र धारण की, बिल्कुल अगोरी बाबा को रूप धारण कर और नंद बाबा रे द्वारे पर आकर भोलेनाथ आवाज लगाई, बोले अलग दंद दंद दर दंद 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 ताली। हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम, दोनों हाथों को जोड़।
हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम। अजब है तेरी माया, वेद कोई समझ न पाया, अजब का रूप बनाया, नगर में जोगी तेरा नाम, तेरा नाम बोलना 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 शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो। अंग विभूत गले डुंडमाला शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो। अजब है तेरी माया, काली बजाओ, वेद कोई समझ न पाया, अजब का रूप बनाया, नगर में जोगी आया, जोगिड़ा 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 जो। अरे जोगी जोगी रे देखो रमता रमता जोगी आया, जोगिड़ा जोगिड़ा रे देखो रमता रमता जोगी आया। क्या बात है, बहुत सारी ताली बजाओ एक बार आनंद। शेष नाग लिपटायो और बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग, बोलो एक बार अलग, दोनों हाथों को उठाकर घर घर अलग, पीपलिया में अलग, बुढ़ीबाड़ा में अलग, इंद्राणा में अलग जगायो। भोलेनाथ माँ यशोदा रे द्वारे पर आकर आवाज लगाई, बोले भिक्षा दो माई। माँ यशोदा कन्हैया ने सुला रही थी, माता बी ने बेटी टापर दो कामों में बड़ो मुश्किल काम कर दे, एक तो रोटी जीवन में, दो घंटा माँ थाली लियोड़ी लारे फिरे जदे जार तो रोटी जी में, और स्कूल भेजना वे तो तीन घंटा पहले तैयारी करनी पड़े जदे जार वे स्कूल जावे। कन्हैया बड़ा नटकट था, माँ यशोदा समझा समझा कर सुला रही थी लोरी गाकर, और अचानक बाहर जोगी की आवाज सुनाई थी, कोई मांगण वास्ते आयो। तो माँ कन्हैया ने कहे, बोले बाबू लाला थोड़ी देर बैठ, मैं आई। अब देखिए माँ यशोदा भिक्षा लेकर बाहर देवण वास्ते जय हो जय जय हो। ले भिक्षा
रक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल भरायो दे भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डम 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 डबंडि नाद वड मरव चकार चंड तांडव तनो तुन त्रिवश ओ अंग विभूत गले रंग माला शेष नाग लिपटायो रे भिक्षा निकली नंद रानी कंचन खाल भरायो ले भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो ताली दे ताली दे ताली ताली दे ताली दे ताली दे बुजुर्गों से मेरा कोई निवेदन नहीं लेकिन युवाओं से मेरी बड़ी अपेक्षा है इधर इधर भोलेनाथ के नाम की ताली शायद कोई लकीरें बदल दे भोलेनाथ दोनों हाथों को उठा गए ताली दे ताली दे ताली 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 ताली जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू तेरी शक्ति अपार तेरा मेरे जीवन तेरी बूंदा मेरा जीवन आधार धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया हे शंभू बाबा मेरे लोक में तू ही तू सब धात्मन मेरा मन बिल पत्री जीवन भी अर्पण कर दू हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में माई से तो बाहर आई भोलेनाथ ने देवन जीवी लागी भोलेनाथ बोले माई थारी भिक्षा नहीं चाहिए आ थारी भिक्षा वापस ले जा माँ यशोदा डर गई बोले कि मांगण वास्ते आए और लगाई अलग और लेवण वास्ते मना करे बोले जोगी का ही चाहिए भोलेनाथ जोगी ने रूप में बोलिया कि हे मैया ओ ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ये कंचन माया अपने लाल के दर्श करा दे मैं दर्शन को आया थोड़ा हाथ तक उठा दे जटागटा हसम रमन निलिंप निर्जरी विलोल विचि वल्लरी विराजमान मूल दे धागा 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 किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षण मम ओ चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ये कंचन माया अपने लाल के दर्श करा दे मैं दर्शन को आया अजब है तेरी माया वेद कोई समझन पाया अजब का रूप बनाया पीपलिया में पीपलिया में अब इससे तो ज्यादा क्या चाहिए पीपलिया में आपको आप समझ लो पूरा ब्रह्मांड ही यहां आ गया भोलेनाथ जहां पर आया माया तो महादेव रही ऐसा तो एक बार दोनों हाथों को उठाकर भोलेनाथ के साथ साथ में रामनाथ बापू भी आया भोलेनाथ रे साथ साथ में समझाई नाथ बापू भी आया हैं भोलेनाथ रे साथ साथ में अचलानाथ जी महाराज भी आया तो इतना इतना जब लोग आया है इतना इतना जब भोलेनाथ का रूप आया है तो अपन ने बोलवा में कोई पेट्रोल थोड़ी पड़े एक बार बोल दो मैं बताता हूं तरीका उसका एक दो तीन
आज जिसके लकवा वगैरह नहीं हो रखा है, फ्रैक्चर नहीं, वो उठा ले। बाकी जारे फ्रैक्चर है पे बलि बापूड़ा नीचे राख जो, ज्यादा जोर नहीं पटकनो। और सही है, मामलो खराब हो जावेला ध्यान राख जो, नहीं बजावेला डोगरो कुछ भी कर सके। खोलना पीपलिया में, पीपलिया में, पीपलिया में, पीपलिया में, पीपलिया में जोगी आया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कहा मन में है कामना और कुछ जानो ना, मन में है कामना और कुछ जानो ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, सुख सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे, तूने दिया, तूने दिया बल, तूने दिया धन निर्धन को, तूने दिया धन निर्धन को, अरे अज्ञानी को ज्ञान दिया, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही। बोले ना चाहिए तेरी धनी दौलत, और ना कोई कंचन माया, थारो सोनो थारे कने राख, थारा वस्त्र थारे कने राख, मने तो थारे गिग लिए ने एक बार दर्शन करवा दे। इतनो करती माता मैंने सुनना, यशोदा डर गई, बोले चल हट जोगी, कन्हैया और तने जा, कोई कन्हैया नहीं है। ऐसी फूटरी फूटरी गुजरिया आवे, दिन भर घेरो गाल, कोई दही रो बहानो करावे, कोई दूध रो बहानो करावे, कोई मक्खन रो बहानो करावे, और दिन भर दरवाजो एक मिनट वास्ते नहीं खोलो, और थारे जड़ा जो अगोरी रूप ने ऐसे जोगी रूप में कन्हैयो, बोले जा जोगी, कोई कन्हैया नहीं। बोले नाथ बोले माई नाराज क्यों हो रही है, कोई दुनिया रो धन थोड़ी मांगियो है, कन्हैया ने लिया एक बार बार। माँ यशोदा बोली ना जोगी, थारो कहीं भरोसो थारो, कोई बुरी नजर डाल दे कोई गलत, और फिर कन्हैया ने मैं कठे इलाज कराऊं ला। बोले देख जोगी और कुछ चाहिए तो हाथ जोड़ी बापूड़ा, तू कह जो मैं लार दे दूं ला, आदो राज दे दूं ला, लेकिन कन्हैयो ना दे। अभी बहस चल रही थी, उसी समय भगवान कृष्ण माए ने जो बैठा था अचानक रोने लग गया। माँ यशोदा जोगी ने तो छोड़ भूल गई, और भागती भागती अंदर गई, कन्हैया ने हाथ में उठाया, बोले कहीं हो लाला, अपने छातियों लगाया, दूध पिलायो, जतन किया, कन्हैया तो और जोरदार रोवे। तो बोले शायद पेट में दुख तो वे लग, वेद जी ने बुलाया, वेद जी आया, नाड़ी देखी, बोले कि ठीक है। तो झाड़ा कर बुलाया, झाड़ो बोले कि झाड़ो लागे ही नहीं। बोले ना तो झाड़ो क्यों लागे बाप जी, है लूण मिर्चा करी। तो भी कन्हैया चुप नहीं रहा, तो नहीं शाम हो गई, जोगी बाहर खड़ा, माँ कन्हैया अंदर जतन कर रही, और सारा जतन करने रे बाप माँ कन्हे, माँ यशोदा ने लागो कि शायद ये कोई जोगी री माया है, हो नहीं हो, बाहर जो खड़ो है वो सामान्य आदमी नहीं है, वो कोई न कोई विशेष बात है। और अंदर में विचार कर डरती धूझती कांपती कांपती कन्हैया ने एक कपड़ा में बलीट सिर्फ मुंडो मुंडो बाहर राख, धीरे धीरे करते माँ कन्हैया कन्हैया ने बाहर लेकर आई। और मित्रों भक्तजनों, जैसे ही कन्हैया की नजर भोलेनाथ के उस जोगी के रूप पर पड़ी, और जोगी को देखते ही कन्हैया तो ऐसे चकित हो गए कि रोना भूल गए, मौन हो गए, टुकर 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 एक नजर से भोलेनाथ की तरफ देख रहा है। और भोलेनाथ जोगी के रूप में भगवान विष्णु के उस बाल रूप में ऐसे मगन हो गए कि जैसे दुनिया थम गई हो, पूरी सृष्टि स्तब्ध हो गई हो, ब्रह्मांड रुक गया हो, हवाएं थम गई, सन्नाटा। सूरदास जी महाराज आंखों अंधा था, हमने जो दुनिया से देखा आंखों से, उन्होंने दुनिया नहीं देखी, लेकिन उन्होंने अपने मन में इस दिव्यता को जब इस रूप को देखा तो
ये कल्पना की कि भोलेनाथ ने कन्हैया को कैसी आशीर्वाद दिया होगा और क्या कहा होगा। बोले हो पंच बार परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो सूरदास बलिहारी सूरदास बलिहारी यशोदा जुग जुग जीत रो जायो सूर पंच बार परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो पंच बार परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो सूरदास बलिहारी यशोदा जुग जुग जीत रो जायो अजब है तेरी माया वेद कोई समझन पाया अजब का रूप बनाया नगर में तेरा नाम बोले ना बोले ना बोले ना बोले ना बोले ना बोले ना ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे भोलेनाथ ऊंचा है तेरा धाम ओ पिपलेश्वर वाले भोले बाबा हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सभी लोग एक बार बोल देना बोले शिव शंकर भोलेनाथ।